गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने को अगला अपना चैप्टर चलाएंगे, पार्ट नंबर 10, ये 11, कार्य ऊर्जा और शक्ति। इस पार्ट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कार्य की परिभाषा, कार्य का मतलब, कार्य ऊर्जा और शक्ति के अंदर क्या संबंध होता है, ये अपने को पढ़ना है। तो कार्य क्या होता है, अपन बोलते हैं कि प्रतिदिन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। प्रतिदिन हमें जो कार्य करने हैं उनमें सोना, जागना, उठना, खेलना, कूदना, व्यायाम करना, पढ़ना लिखना, ये सब कार्य होते हैं और इन सभी के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती रहती है। लेकिन विज्ञान की भाषा के अनुसार या विज्ञान कार्य को किस प्रकार परिभाषित करती है, इसके लिए हमें इस कार्य की परिभाषा पढ़नी है। अपन बोलते हैं साधारणतः कि कमली परीक्षा के समय 8 घंटे परिश्रम करती है, लेकिन क्या विज्ञान की दृष्टि से किया गया कार्य कितना होगा? तो विज्ञान के अनुसार कमली परीक्षा के समय 8 घंटे परिश्रम करती है, इसके द्वारा किया गया कार्य 0। एक व्यक्ति 50 किलोग्राम का वजन उठाकर अपने सिर पर उठाकर खड़ा है, वो थक जाता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य 0 माना जाता है। आप किसी दीवार को बराबर धक्का मार रहे हैं, धक्का मारने पर आप पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन अभी आपके द्वारा किया गया कार्य 0 है। क्योंकि विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा क्या होती है, तो वो अपन देखते हैं। कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करने को कार्य कहा जाता है। कोई वस्तु जो विराम अवस्था में है उसके वेग में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करने को कार्य कहा जाता है। माना कि अपने पास ये मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m, m द्रव्यमान की वस्तु यदि समय के साथ इसके द्वारा तय की गई दूरीय विस्थापन का मान 0 हो तो वस्तु विराम अवस्था में मानी जाती है। यानी किसी वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन 0 हो तो वह वस्तु विराम अवस्था में होगी। ए बिंदु पर कोई वस्तु जो विराम अवस्था में है, इस वस्तु को आप धक्का मारेंगे या इसको खींचेंगे। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही सामान्यतः बल कहलाता है। जब आप इस वस्तु को इस साइड से बल लगाते हैं, धक्का मारते हैं, और यदि वस्तु यहां से गतिशील हो जाए, इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर दे, तो हमने पहले पढ़ा कि वस्तु विराम अवस्था में है, यानी इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है। और अब इस वस्तु पर अगर बल लगाए जाने पर वस्तु ए बिंदु से मान लीजिए बिंदु बी पर पहुंच जाए, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया। और किसी वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन होना गति कहलाता है, यानी यह वस्तु गति कर रही है। तो किसी विराम अवस्था वाली वस्तु को गतिशील करना, तो हमने गतिशील किया इसको। ये डी समय के अंदर मान लीजिए कितने भी समय में एस दूरी तय कर लेती है, या फिर कोई गतिशील वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए कोई गेंद अपने तरफ फुटबॉल है अपनी तरफ आ रही है, हम उसके ठोकर मारते हैं, बल लगाते हैं, तो उसका वेग और अधिक बढ़ जाए। तो या तो किसी विराम अवस्था वाली वस्तु के वेग में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में वृद्धि करना कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करने की क्रिया को भी कार्य कहा जाता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करने की क्रिया को भी कार्य कहा जाता है। अब बल अपन जानते हैं, किसी साधारण बल किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना होता है। जब आप इस वस्तु के m द्रव्यमान वाली वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, तो इसके विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है जिसको अपन घर्षण बल बोलते हैं। और आपके द्वारा लगाए गए बल का मान यदि घर्षण बल से कम है या घर्षण बल के बराबर है, तब तक ये वस्तु गतिशील नहीं होती है, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है और ये गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। और दूसरा जो हमने शब्द पढ़ा हुआ है विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है? आपने इस वस्तु के ऊपर बल लगाया, वस्तु मान लीजिए है दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंचती है, तो दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई या पथ को तो दूरी कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई या पथ को तो दूरी कहा जाता है।
और इसका मात्रक मीटर होता है तथा विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु एवं उसके अंतिम बिंदु यानी ये प्रारंभिक स्टेज यहाँ ए बिंदु पर थी और अब बी बिंदु पर पहुंच गई। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम एवं निश्चित दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इस ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी बराबर 10 मीटर है तो यहाँ विस्थापन डी बराबर में कितना होगा जी 10 मीटर। आप इसको एस से भी लिख सकते हैं या डी से भी लिख सकते हैं क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम और निश्चित जो लंबाई है सरल की जो दूरी है वो विस्थापन है और इसका मान 10 मीटर है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है। तो कार्य किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन होना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन होना कार्य कहलाता है या किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहा जाता है। मान लीजिए अपने पास ये वस्तु है इसके ऊपर एक बल लगाए जाने पर एक बल लगाए जाने पर वस्तु एस दूरी तय करती है इसका विस्थापन एस हो तो किया गया कार्य वस्तु पर किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन W बराबर होगा F गुणा H। ये कार्य करने याद करने का सामान्य सूत्र किया गया जो कार्य है वो बल गुणा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन कार्य जो है उसकी अलग अलग स्थितियां होती हैं। कार्य धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य हो सकता है इसलिए अपन अलग अलग स्थिति पढ़ते हैं। नंबर एक स्थिति फर्स्ट जब किसी वस्तु के ऊपर आप बल लगाते हैं और वस्तु अगर बल की दिशा में ही गतिशील हो जाए अपने पास ये वस्तु है इस वस्तु के ऊपर आप इस दिशा से बल लगाते हैं और अगर वस्तु में विस्थापन जो उत्पन्न हो रहा है वो भी इसी दिशा में हो जाए एक ही रेखा में हो एक ही दिशा में हो किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर अगर वस्तु में उत्पन्न विस्थापन दोनों की दिशा एक समान हो या एक ही दिशा में हो तब तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। यहां पर किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है और कार्य अगर बल और विस्थापन किसी दिशा पर लग रहे तो कार्य ज्ञात करने के लिए बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन शब्द का उपयोग करते हैं। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल एफ गुणा बल की दिशा में विस्थापन एफ एस कोस थीटा। ये इस दिशा में बल लग रहा है और बल की दिशा में विस्थापन या बल की विपरीत दिशा में विस्थापन तो दिशा प्रदर्शित करने के लिए डब्ल्यू बराबर लिखा जाता है एफ एस कोस थीटा। अब यदि आपके द्वारा लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो तो कोण थीटा बराबर यहां शून्य डिग्री होगा थीटा बराबर शून्य डिग्री इन दोनों के बीच एक ही दिशा में इसलिए थीटा का मान कोण का मान जीरो डिग्री है। तो यहां सूत्र में रखने पर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ गुणा एस कोस जीरो और चूंकि अपन जानते हैं कोस जीरो बराबर होता है एक इसलिए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ गुणा एस यानी किया गया कार्य धनात्मक हो जाता है। जैसे किसी बक्से को धक्का देकर गतिशील करना आप जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में अगर बक्सा गतिशील है तो आपके द्वारा किए गए कार्य का मान धनात्मक होता है। नंबर दो दूसरी जो स्टेज है उसमें देखो अगर बल और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं विस्थापन की स्थिति एक दूसरे के विपरीत हो तो स्थिति नंबर सेकंड में अपन पढ़ेंगे ए मान लीजिए अपने पास कोई वस्तु है आप इस वस्तु पर बल इस दिशा में लगाएं तथा अगर विस्थापन की दिशा इस दिशा में हो तो आपके द्वारा लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है इसलिए दोनों के बीच थीटा बराबर कोण हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाई जाने पर ब्रेक लगाने पर घर्षण बल की दिशा गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है क्योंकि घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो घर्षण बल की दिशा तो इस तरफ होगी और गाड़ी इस दिशा में थोड़ी देर गति करने के बाद में रुक जाती है तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो थीटा का मान 180 डिग्री
इसलिए कार्य W बराबर हो जाएगा A गुणा S और cos 180 डिग्री। अब अपन जानते हैं cos 180 डिग्री का मान माइनस में एक होगा, अतः कार्य W गुणा F W बराबर F गुणा S और यहाँ इसका मान माइनस में एक, या W बराबर हो जाएगा माइनस F गुणा S, अर्थात किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो पहली स्थिति में तो हमने पढ़ा कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, और यहाँ दूसरी स्थिति में है कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करें तो इनके बीच जो कोण बनता है ना वो 180 डिग्री का होता है, इसलिए कहिए कि कार्य का मान ऋणात्मक होगा। जैसे उदाहरण है, चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी की गति की दिशा घर्षण बल की दिशा के विपरीत होती है। स्थिति नंबर तीन, अब इस अगली कंडीशन में अपन देखेंगे कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल जो है वो एक बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल जो है वो वस्तु की गति की दिशा या विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहां पर जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होता है। जैसे एक पुली द्वारा अपने सिर पर वजन उठाकर किसी क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, वो तो क्षैतिज दिशा में गतिशील है और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे की ओर है, इसलिए दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। यहां एक व्यक्ति दिशा में विस्थापन कर रहा है और उसके ऊपर लगने वाला बल F बराबर mg जो कि नीचे की ओर लगता है, इसलिए दोनों के मध्य का कोण हो गया 90 डिग्री। और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर लगते हैं तो किया गया कार्य W बराबर F गुणा S cos 90। हम जानते हैं cos 90 डिग्री बराबर होता है शून्य, इसलिए किया गया कार्य W F गुणा S गुणा 0 या किया गया कार्य शून्य होता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। आप 50 किलोग्राम वजन को उठाकर अगर क्षैतिज दिशा में गतिशील है और आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आपके ऊपर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य शून्य होता है। सूर्य के चारों ओर गति करते हुए ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर जब ग्रह गति करते हैं तो इनकी गति की जो दिशा, जब मान लीजिए कोई ग्रह इस स्थान पर गति कर रहा है, अगर उसके ऊपर सूर्य द्वारा लगने वाले बल का मान कम हो जाए तो ये इसकी गति की दिशा ये है और अभिकेंद्रीय बल जो कि केंद्र की ओर लगता है, इसलिए दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री का है। तो ग्रहों की गति या नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति या किसी क्षैतिज धरातल पर गतिशील वस्तु के ऊपर पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का मान शून्य होता है, ये स्थिति नंबर तीन। इसके बाद में अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कार्य की चौथी स्थिति, मान लीजिए अपने पास एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से अगर अपन एच ऊंचाई पर उठाते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं, एम द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान होता है एफ बराबर एम जी, यानी लगने वाला बल पृथ्वी के बाहर ये वस्तु के बाहर के बराबर होता है, तो बाहर का मान डब्ल्यू बराबर एम जी या एफ बराबर एम जी, और इसको एच ऊंचाई पर इसके विस्थापन का मान आप एच लिख दो चाहे एच लिख दो, ये विस्थापन हो गया एच, तो किया गया कार्य डब्ल्यू जो है वो होता है एफ गुणा एस कोस थीटा एफ गुणा एस। अब कार्य का बल का मान अपन लिखेंगे तो यहां लिखेंगे एम जी और विस्थापन की एच की जगह पर एच भी लिख सकते हैं, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम जी। यदि आप एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी गुरुत्व बल के विरुद्ध एच ऊंचाई पर उठाते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं, तो उसके ऊपर किया गया कार्य का मान डब्ल्यू बराबर एम जी एच होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को, द्रव्यमान एम बराबर है 5 किलोग्राम,
पृथ्वी तल से h बराबर 3 मीटर की ऊंचाई पर उठा लेता हूं तो किए गए कार्य w का मान कितना होगा, w बराबर mgh, m का मान 5 गुणा g का मान गुरुत्वीय त्वरण है, आपने 9th क्लास के पार्ट नंबर 8 में पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो तो उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है और उसको जी से प्रदर्शित किया जाता है, और पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान आपने पढ़ा है 9.8 ms-2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सामान्य औसत मान है, इसकी गणना के लिए अपन 10 भी लिख सकते हैं, तो 5 गुणा यहां 9.8 और h का मान 3 ये लिखें तो इसके जितने भी गुणा करने पर जो आंसर आएंगे उसके आगे अपन जूल लिखते थे, तो m द्रव्यमान की वस्तु जो पृथ्वी तल से अगर h ऊंचाई पर उठाई तो उसके लिए किए गए कार्य का सूत्र w बराबर mgh होता है। ये अपने पास कार्य की अलग अलग स्थितियां हैं, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्यरत हो तो किए गए कार्य का मान धनात्मक, जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किए गए कार्य का मान ऋणात्मक, और जब बल और विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर है यानी लंबवत है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, और यदि बल पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसके ऊपर किए गए कार्य का मान w बराबर mgh होता है। अब कार्य का मात्रक किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए साथ में उसका मात्रक लिखा जाता है, और कार्य का मात्रक कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य w बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य w बराबर लिखते हैं F गुणा अपन s, यदि बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है जी न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा w का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन इसको अपन है जूल शब्द के नाम से भी लिख सकते हैं, तो कार्य का साधारण मात्रक ऐसा ही पद्धति का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, अन्य मात्रक अगर इसके देखें तो सीजीएस पद्धति का जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो है वो होता है डाइन और विस्थापन का मात्रक होता है सेंटीमीटर, इसलिए कार्य का मात्रक हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर या इसको अर्ग भी बोलते हैं, एक एक जूल बराबर 10^7 अर्ग होते हैं, अगर ये प्रश्न आया हुआ है एक जूल बराबर होते हैं 10^7 अर्ग और एक न्यूटन बराबर होते हैं 10^5 डाइन, एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होते हैं, ऐसे ही एक अन्य एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होते हैं, तो कार्य का जो सामान्य मात्रक है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक अपन जानते हैं न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है ऐसी पद्धति का, तो कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या इसको जूल कहा जाता है, अगर अन्य मात्रक यानी सीजीएस पद्धति का इसका मात्रक देखें तो बल का मात्रक डाइन होता है और मीटर की जगह छोटा मात्रक सेंटीमीटर, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा अर्ग। अब एक जूल क्योंकि साधारण मात्रक जूल माना जाता है, एक जूल कार्य कितना होता है, किसी वस्तु पर आपके द्वारा किए गए कार्य का मान एक जूल कब होगा, जब आप किसी वस्तु के ऊपर एक न्यूटन बल लगाए, बल F बराबर यदि एक न्यूटन बल लगाया जाए और अगर वस्तु में उत्पन्न होने वाले विस्थापन का मान एक मीटर हो तो आपके द्वारा किए गए कार्य का मान एक जूल होगा, किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाए जाने पर यदि वस्तु में उत्पन्न विस्थापन एक मीटर हो
तो किए गए कार्य का मात्रक एक मान एक जूल होगा। एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन गुणा एक मीटर, एक न्यूटन गुणा एक मीटर। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान एक जूल तब होता है जब आप किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाएं और वस्तु में अगर उत्पन्न होने वाले विस्थापन का मान एक मीटर हो तो आपके द्वारा किए गए कार्य का मात्रक एक मान एक जूल होता है। अब आप कार्य की परिभाषा इसके मात्रक आपने पढ़े, आपको इनसे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। कार्य ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास ये सूत्र है आप इसका मान रखेंगे और एक प्रश्न हल करेंगे। अपने पास एक साधारण सा प्रश्न है, सरल सा, क्वेश्चन नंबर है एक घोड़ा एक घोड़ा सीधी से 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर एक गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से खींचता है। यदि घोड़े द्वारा लगाए गए बल का मान 30 न्यूटन हो तो किया गया कार्य याद करो। ये प्रश्न हो गया, इस प्रश्न का आप कार्य वाले सूत्र के हिसाब से आंसर निकालेंगे और रखो के लिए पेज पर लिख कर इनको व्हाट्सएप में डालेंगे। अच्छा।